हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूँ आराधना आपके साथ। शहनाज कारगिल की चिंता हर किसी को सता रही है। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद शहनाज के लिए हर कोई वरिड है, चाहे वो इंडस्ट्री का इंसान हो, टीवी इंडस्ट्री का इंसान हो, या फिर कोई आम इंसान हो, शहनाज का फैन हो, शहनाज को जो जानता है वो शहनाज को लेकर सच में परेशान है। लेकिन अब एक बड़ी एक्ट्रेस ने, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला की दोस्त भी रही है, उन्होंने शहनाज को लेकर चिंता व्यक्त की है। किसकी बात कर रही हूँ, चलिए आपको बताती हूँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर करें। दोस्तों, बिग बॉस के घर के अंदर शहनाज थी और सिद्धार्थ थे, और उसी घर में शेफाली जरीवाला भी थी। वो शेफाली जरीवाला जो कभी सिद्धार्थ की बहुत अच्छी दोस्त रही है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी दोनों की। लेकिन सिद्धार्थ के जाने के बाद हर कोई हैरान रह गया कि कैसे हट्टा खट्टा इंसान, जो कि सिर्फ 40 साल का था, नींद में सोता ही रह गया। उसके बाद शहनाज जब क्रिमिनेशन ग्राउंड में पहुंची, उनके ऊपर कैमरास जानबूझकर मारे जा रहे थे, उनके एक्सप्रेशंस को कैच करने के लिए पूरी की पूरी जो भीड़ थी, वीडियो मैन की, जो कैमरामैन होते हैं उनकी, टूट पड़ी वीडियो जर्नलिस्ट की टीम शहनाज के ऊपर। और अब इसके ऊपर शेफाली ने भी बोला है कि जिस तरह से शहनाज के साथ बिहेव किया जा रहा था वो सच में शर्मनाक था, और आपको लोगों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि इस तरह से उनके विजुअल्स लेने के लिए उनके ऊपर कैमरे को इस तरह मारना चाहिए, वो भी तब जब उनकी हालत सच में खराब है। मैं, यानी कि उन्होंने बोला है, मैं काफी चिंतित हूँ शहनाज को लेकर कि सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज की क्या हालत हो रही होगी। दोस्तों, हर कोई परेशान है इस टाइम, शहनाज को लेकर हर कोई चिंतित है, और हर किसी को इंतजार है कि एक बार शहनाज अपनी एक झलक अपने फैंस को दिखा दे, जिससे शहनाज के फैंस के दिलों को ठंडक पड़ जाए। क्या आपको भी इंतजार है? मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। नमस्कार।